ज़्यादा मार्जिन नहीं है, आप लोगों को सामान देख के समझ में आएगा, ज़्यादा मार्जिन मेरा नहीं है, 50 से 100 रुपये मेरा मार्जिन है, उसमें से 40 रुपये दें और पोस्ट ऑफिस को दे रही हूँ। अब तैयार की हूँ, थोड़ा अप्स एंड डाउन तो होगा ही, अब उतना समझ मुझे है नहीं कि किस तरीके से सेटअप करूँ, कोशिश कर रही हूँ कि और बेहतर करने की कोशिश करूँ। जा रहे होते जा रहे, अभी तक आधे घंटे में तो लगभग 15 पीस सोल्ड आउट हो चुका है। मतलब एक जनरल सी बात है, 300 से 350 में क्या मिलता है आजकल, एक टॉप भी नहीं मिलता, पतले कपड़े का कॉटन का टॉप भी नहीं मिलता, लेकिन इतना अच्छा अच्छा ऐसे, ये देखिए ये कपड़े की क्वालिटी देखिए, ये आपको 300 में मिल रहा है, ये आपको 300 में मिल रहा है। भाई चाय बन गई, मैं चाय कटोरे में पी रही हूँ, हमारे पास कप नहीं है, एक कप था वो टूट गया और एक कप घूम गया घर चेंज करते वक्त, मिल ही नहीं रहा है। इधर रखूंगी क्योंकि जस्ट बाजू में सिंक है, बर्तन धोने के बाद कहाँ पे बर्तन रखे समझ में नहीं आता, ये आएगा इधर। एवरीवन आप सभी कैसे हो, आई होप आप सभी अच्छे होंगे, हम लोग बहुत अच्छे हैं। बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है, कड़ाके की ठंड लग रही है, देखो ऑर्डर पे ऑर्डर जस्ट डालू, ऑर्डर पे ऑर्डर आ रहा है। और मेरा खाना बनाना मतलब चावल बन चुका है और क्या बोलते हैं एक सब्जी बन चुका है, एक सब्जी बचा हुआ है, सबसे भी ऑर्डर ले रही हूँ। भयानक ठंडी, मतलब आज इतना नहीं ये तो नहीं है। काफी लोग पूछ रहे हैं कि कुर्ता कुर्ता सेट वगैरह है क्या, तो कुर्ता सेट नहीं है, ओनली 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 सिर्फ विंटर वेयर है, जिसमें आपका श्रग्स है, फिर विंटर वेयर टॉप है। अभी अभी तो मैं कार्डिगन्स और हाईनेक निकाली नहीं हूँ, कार्डिगन और हाईनेक वो 2 दिन में आने वाले हैं। इतना ठंड, मतलब मुझे लग रहा है कि मुझे 30-32 साल में पहली बार इतना ठंड लग रहा है, मैं बिना कान ढक के रह नहीं पा रही हूँ। चलिए बना रही हूँ मैं अंडा, लेकिन मैं दिखाऊंगी नहीं क्योंकि काफी लोग अंडा नहीं खाते हैं, खाना पसंद नहीं करते, देखना भी पसंद नहीं करते हैं, इसलिए मैं रेसिपी नहीं दिखाऊंगी, नहीं तो अच्छा नहीं लगता ना, मतलब काफी लोगों को पसंद नहीं है, तो कोई बात नहीं स्टार्ट कर। और ठंडे के समय मुझे लाइटर से ये जलाने पे मुझे करंट मारता है, इसलिए मैं कागज से पकड़ के जला रही हूँ, एकदम से टक करूंगी ना तो एकदम झटका मारता है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो रीशु उसको उसकी मौसी खिला रही है उसको, एकदम बहुत ज्यादा मतलब खाने को लेके ना इतना दिक्कत कर रही है ना, क्या ही बताओ। बस हमारा घर पूरा सेट, उसकी मौसी आ चुकी है ना नैनीताल से, तो घर हमारा पूरा सेट हो चुका है, बस आखिरी बचा हुआ किचन सेट करना बचा है। किचन अभी तक हम लोग जमाए नहीं है, अभी तक नहीं जमाए, किचन जमेगा। किचन का थोड़ा सा गैस को यहाँ पे रखी हूँ ना, गैस को इधर रखूंगी और बर्तन धोने का रैक को मैं इधर रखूंगी क्योंकि जस्ट बाजू में सिंक है, बर्तन धोने के बाद कहाँ पे बर्तन रखे समझ में नहीं आता, ये आएगा इधर, गैस जाएगा इधर। और ये डब्बा वगैरह भी सारे कब से धो के रखी हूँ, आंटी जी ने दिया था, मैं उसमें मसाला नहीं डाल पा रही अभी भी, ये सारा चीज का। आंटी फोन कर रही है, अरे हेलो नमस्ते आंटी, हाँ आंटी जी से बात करते करते मेरी सब्जी भी बन गई, गर्म पानी अभी खाना बनेगा, खाना बनने के बाद मैं मेरी बहन खाना खाएंगे, ऋषभ का खाना हो चुका है। फिर आज तो बहुत सारे पार्सल निकले, बहुत सारे पार्सल, तो मेरी बहन दोनों मिलके मतलब मुझे कॉपी में नोट करना है कौन सा कहाँ पे जा रहा है और जो पार्सल का जो झिल्ली रहता है उसमें डालना है। कल बहुत सारे पार्सल निकलने वाले हैं, वाह सच में थैंक यू आप सभी को, और आप सभी ने तारीफ की कि दी कलेक्शन सारे बहुत अच्छे हैं, मतलब मैं जस्ट डाली और धीरे धीरे सारे सोल्ड आउट होते जा रहे, अभी तक आधे घंटे में तो लगभग 15 पीस सोल्ड आउट हो चुका है। अभी मैं अपने किचन में खाना बना रही हूँ और देखती हूँ और कितना मैसेज आया हुआ है। बाबा और आया है मैसेज, ये वाली सोल्ड आउट हो गई है, ये वाली है, जो सोल्ड आउट हो जाता है ना उसको उसकी डिमांड ज्यादा रहती है। और कपड़े भी घुमा दी साथ में, चलो ये हो गया, अब फटाफट खाना निकाल लेती हूँ। सबसे मतलब ये रानी के सबसे मतलब ऑर्डर लेते लेते सबसे बात भी हो जा रही है, सब कह रहे थे कि हम आपका ब्लॉग देखते हैं बहुत अच्छा लगता है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि आप सब इतना प्यार करते हैं। चलिए अब मैं जाती हूँ खाना खा लेती हूँ, खाना खाने के बाद बहुत सारे काम है, अभी कपड़े ड्राई हो रहे हैं, कपड़े सुखाना है, फिर रिशु सोएगी, मुझे तो लगता है रिशु 12 बजे के पहले सोएगी, तो उसको अलग से बिठा के फिर सारा पार्सल पैक करना है।
पहले अपने खाना निकाल लेती हूँ। बहुत अच्छा फील करे थी, इतना अच्छा लग रहा था ना आज, पहली बार इतना सारा ऑर्डर आया है, ऑर्डर पे ऑर्डर, ऑर्डर पे ऑर्डर, बहुत अच्छा फील कर रही थी। मतलब मैं खाना निकालते निकालते यहाँ पे सबका मैसेज रीड कर रही थी और भेज रही थी, दीदी अवेलेबल है क्या, दीदी अवेलेबल है क्या। मुझे इतना अच्छा लग रहा था, बस ऐसे ही बप्पा अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखे। मैं एक छोटा सा स्टार्टअप स्टार्ट की, मैं चाहती हूँ कि स्टार्टअप आगे जाके बहुत बड़ा हो, ताकि मैं अपनी बेटी का फ्यूचर बहुत अच्छे से सिक्योर कर सकूँ, उसे एक अच्छे स्कूल में पढ़ा सकूँ, उसकी जितनी भी सारी ज़रूरतें हुए वो मैं पूरा कर सकूँ। इसीलिए बस सिर्फ और सिर्फ मैं मेहनत कर रही हूँ। थैंक यू आप सभी का इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। बैठ गए अभी खाने के लिए, आप लोग भी आइए हमारे साथ। इसके लिए उबला आलू है और ये परवल भाजा। चलिए खाना स्टार्ट करते हैं, आप लोग भी आइए, आप लोग भी खाइए हमारे साथ। देखो सब्जी रखी और ऋषु भी सब्जी उकर रही है। खाना हो गया था मेरा, खाना खाने के बाद कपड़े वगैरह जो ड्राई हो रहे थे उसको सुखा दी थी। अब बारी है रिशु को सुलाने की, क्योंकि काफ़ी ऑलरेडी काफ़ी रात हो गई थी और बेड में आने से सोने में भी वो आधा घंटा लगाती है। और मच्छर तो हर जगह है, मच्छर पता नहीं क्यों ये कम नहीं होते। एक दिन मतलब मैं रिशु ऐसे ही सो गए थे बिना मच्छरदानी के, इतना मच्छर काटा, मुझे कम काटा मगर रिशु को बहुत ज़्यादा काटा था, पूरा चेहरे पर लाल 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 दाने दाने हो गए थे। इसलिए अभी चाहे कुछ भी हो सबसे पहले मैं मच्छरदानी टांगती हूँ, भले बाद में सोए तो भी चलेगा। आप सभी को, मैं रात को कल आधा पैक की थी और हिम्मत नहीं पड़ा, इतना थक गई थी फिर मैं सो गई, और उठ के सुबह नींद से उठ के भी आधा पैक की हूँ। और अभी जितने भी पार्सल है ना, सारे पार्सल को मुझे अभी पैकेट में डालना है, नाम लिखना है और आज लेके जाना है पोस्ट ऑफिस पोस्ट करने के लिए। अभी तो फिलहाल मैं चाय बना रही हूँ, बहुत ज़्यादा ठंड है आज क्यों अपने अड्डे पे। तो कल काफ़ी सारे सोल्ड हुए हैं, जितने भी सारे सोल्ड हुए हैं ना, देखिए फिलहाल मैं यहाँ पे भी बैठी हुई हूँ, ये सारे अलग करके रखे हैं, और जितने भी सोल्ड हुए हैं मैं, ये सबसे पहले ये पर्पल वाला निकला, इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा थी। फिर एक वेलवेट का निकला है, आप लोगों को मैं दिखाती हूँ बैक कैमरे से, तो आप लोग अच्छे से समझ में आएगा। ये श्रग निकला, ये वाली, ये पर्पल वाली निकली है, ये ऐश वाली निकली है, ब्लू वाली निकली है, और ये भी ब्लू वाली निकली है, येल्लो। फिर ये वेलवेट का श्रग, ये फिर ये तो निकली है, इसको पूछ रहे थे बट फिक्स नहीं किया तो मैं साइड में रख दी। इन सबको पूछ रहे थे बट फिक्स नहीं है तो इनको, इन सबको यहाँ पर रख दी। आज बहुत सारा पार्सल लेके जाने वाले हैं, ये एक है ये भी सोल्ड हुआ है, तो बस ये आखिरी वाला पैकिंग बचा हुआ, अभी मैं चाय वगैरह पी के फिर इसको पैक करूँगी। और आज है बुधवार, होप सो आज फटाफट हम लोग जा पाए, क्योंकि फिर कल गुरुवार और शुक्रवार को फिर जाएगी सारी सामान। और आज मैं आप लोग के सामने लाने वाली हूँ कार्डिगन्स, जो गर्ल्स वेयर लेडीज़ वेयर दोनों हो सकता है, कोई इशू नहीं है। मतलब साइज़ ना स्मॉल ज़्यादा है, और मतलब डबल एक्सल ट्रिपल एक्सल कम ही है, इसलिए स्मॉल मीडियम एल ई सब ज़्यादा है। तो वो कार्डिगन्स आज मैं आप लोग को दिखाने वाली हूँ, थोड़ी सी आपको हाई रेंज में जाएगी, क्योंकि थोड़े से डिज़ाइनर है, कुछ में मोती लगा है, मतलब एक अलग ही लुक देता है। ये सारे कार्डिगन्स आपके सस्ते में थे, आपको 299 से 349 तक था, और कुछ शख्स थे थोड़ा सा ज़्यादा हाई रेंज के थे, और ये एक्चुअल में बहुत भारी। आप ये प्रोडक्ट इसको मैं अगर 350 में बेच रही हूँ, कितना लाभ हो रहा है इसमें मुझे, 5,000 रुपये बस। इसलिए मैं 50 रुपये डिलीवरी चार्ज रखी हूँ, कम से कम 50 ही तो रुपये कोई दे तो सकते, मतलब 50 रुपये तो है, मतलब नॉर्मल इंसान तो दे ही देगा करके, इसलिए मैं 50 रखी हूँ। जब पोस्ट ऑफिस में जा रही हूँ मैं 70 रुपये 90 रुपये सब तैयार की हूँ, थोड़ा अप्स एंड डाउन तो होगा ही, अब उतना समझ मुझे है नहीं कि किस तरीके से सेटअप करूँ, कोशिश कर रही हूँ कि और बेहतर करने की कोशिश करूँ, ताकि आगे मतलब मेरा ये पूरा कोशिश रहता है कि मैं आप लोगों को अच्छा सामान दूँ, अच्छी चीज़ें दूँ, आप लोगों को कोई शिकायत नहीं आएगी। ये मुझे खोल के दिखाना चाहिए कि नहीं पता नहीं, क्योंकि अभी जस्ट पैक ही की हूँ, नहीं जस्ट पैक ही की हूँ। मतलब एक जनरल सी बात है, 300 में 350 में क्या मिलता है आजकल, एक टॉप भी नहीं मिलता, पतले कपड़े का कॉटन का टॉप भी नहीं मिलता, लेकिन इतना अच्छा ऐसे, ये देखिए ये कपड़े की क्वालिटी देखिए, ये आपको 300 में मिल रहा है, ये आपको 300 में मिल रहा है। और ये जो कपड़ा है ये आप मॉल में खरीदेंगे ना, ये आपको 2,000 के कम नहीं मिलेगा, सेम प्रोडक्ट मॉल में 2,000 के कम नहीं मिलेगा। तो लोग अपना टैक्स वैक्स कहकर जो जा के इतना हाई प्राइस बनाते हैं, ये एक एक श्रग, ये श्रग जा रहा है 350 में, लेकिन यही श्रग आपको 1200-1300-1500 में मिलेगा, बट दे रही हूँ, मेरा ज़्यादा मार्जिन नहीं है, आप लोगों को सामान देख के समझ में आएगा, ज़्यादा मार्जिन मेरा नहीं है,
50 से 100 रुपये मेरा मार्जिन है, उसमें से 40 रुपये मैं और पोस्ट ऑफिस को दे रही हूँ। क्या नहीं, चाय बिठाई होगी, मैं चाय पी लेती हूँ, फिर ये सारा सामान पैक करना है, पैक करके फिर जाना पड़ेगा पोस्ट ऑफिस। मैं सोच रही हूँ कि किसी जो प्राइवेट कुरियर सेंटर है ना उनसे बात करूँ, मेरे को ऐसा लग रहा है, क्योंकि मतलब इतना सारा सामान मैं कैसे लेके जाऊँगी, और अगर उनसे बात करूँगी तो शायद वो घर से आके पिकअप करके ले जाए, पता करना पड़ेगा मुझे। वैसे पोस्ट ऑफिस सेफ है क्योंकि गवर्नमेंट है ना, तो कोई वो झमेला इशू नहीं करता है, लेकिन इतना सारा सामान मुझे 3 ट्रिप मारना पड़ेगा, क्योंकि उतना बड़ा बैग तो है नहीं मेरे पास। चलो देखते, कोई बात नहीं, चाय वगैरह बिठाई हूँ, चाय पी लेती हूँ, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। अभी भी 2-3 पैक करना बचा हुआ है, फाइनल पैक करूँगी, हो जाएगा। हमारी चाय बन गई, मैं चाय कटोरे में पी रही हूँ, हमारे पास कप नहीं है, एक कप था वो टूट गया और एक कप घूम गया घर चेंज करते वक्त, मिल ही नहीं रहा। तो बहन बोल रही थी चल आज चलते हैं टाइम निकाल के डीमार्ट, कप लेके आना है, ग्लास लेके आना है, पानी पीने का ग्लास बस एक है। तो मेरी बहन पानी पीने के ग्लास में चाय पी रही है और मैं कटोरी में पी रही हूँ, मेरे को टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, क्या करेंगे। आज जाएंगे ना पार्सल मतलब देने पोस्ट ऑफिस में, आज जाऊंगी कुरियर करने, सबका पार्सल निकलेगा आज, तो आते आते होके आएंगे ब्रेड। बस अभी ये लास्ट पैकिंग वगैरह चल रही है, मैं और मेरी बहन दोनों मिलके पैकिंग कर रहे थे, नाम लिख रहे थे, कुछ सामने का 3-4 पैकेट में नाम मैं लिखी, फिर बाकी मेरी बहन को दे दी थी, क्योंकि घर में भी मुझे काम थे, खाना बनाना था, ऋषि को खिलाना था, हर तरफ मैनेज करना पड़ता है ना, इसीलिए मिल बांट के पैकिंग वगैरह कर रहे हैं। और वो कुछ कुछ जगह में कन्फ्यूज़ हो जाती है, कुछ कुछ जगह में रिसीव भी करती है लोगों के कमेंट को, क्या बोल उसको समझ भी नहीं आता है। तो एड्रेस वगैरह मैं ही मतलब उसको बता रही थी कि इन्होंने ये टॉप लिया, ये टॉप लिया, ताकि किसी के पास किसी और का टॉप ना चले जाए, ये सारा चीज़ ध्यान दे के करना पड़ रहा था, क्योंकि काफ़ी सारे ऑर्डर थे ना, तो कॉपी में लिख के रख रहे थे कि इस नाम ने ये कलर का इस साइज़ का टॉप लिया। एक बार तो ऐसा हो गया था, देख रहे थे कि कहीं मिसमैच मत हो जाए, रेड की जगह पिंक, पिंक की जगह रेड ना चले जाए, यहाँ वहाँ ये सारा चीज़ हैंडल करना पड़ रहा है। होता है कभी कभी ऐसा होता है ना कि घर के काम भी रहे, बच्चा भी रहे, परेशान करे, तो माइंड में ऐसा होता है कि कभी कभी यहाँ का पार्सल वहाँ चला जाता है, तो ये सब ध्यान में रख के हर चीज़ें कर रहे हैं।